तो जैसा कि आप सबने देखा, लल्लन और कल्लन तबाह होने पर मजबूर हो गए हैं। पर जनता यहाँ पर आखिरी बार इन लजीज कबाबों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हैं। जनता मांगे मोर, क्या लल्लन कल्लन है चोर? आइए जानते हैं इस भूखी जनता से। तो कहिए, आप बताइए कि आपको कौन सा यो कबाब या लजीज कबाब कौन सा पसंद है? लजीज कबाब। लजीज कबाब। लजीज कबाब। एक्सक्यूज मी सर, सर आप तो यो कबाब अफोर्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अफोर्ड तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्वाद भी तो कोई चीज होती है। यो कबाब में ये लजीज कबाब वाली बात नहीं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने सुना, लोगों का मानना है कि लजीज कबाब यो कबाब से बेहतर है, पर इन पर रेसिपी चुराने का इल्जाम भी लगा हुआ है। क्या महिला पुलिस थाने की दोनों SHO हसीना मलिक और करिश्मा सिंह इन दोनों भाइयों को निर्दोष साबित कर पाएंगी? क्या वो देश पर उठी उंगली का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगी? कबाब की सामग्री अगर एक है तो स्वाद अलग कैसे? यही बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही पुष्पा जी, और अगर ऐसा है तो फिर तो ये केस हमारे फेवर में है। पर... जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। यो कबाब और लजीज कबाब की लैब रिपोर्ट्स आ गई है। ये गुड। बहुरानी ने खाए 12 पीस। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, संतोष जी आपके लिए सनी का सर फोड़ दूं। मैडम सर, जब तक वो लैब रिपोर्ट आ रहा था ना, उसी दौरान हम थोड़ा सोचे कि इसे शेरो शायरी कर ले, वही वाला लिख दिया मैडम। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या हुआ मैडम सर? इनका टेस्ट अगर इतना अलग है तो फिर इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली सेम कैसे? एग्जैक्टली मैडम सर, अगर इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत भी अलग होते तो हम उनको निर्दोष साबित कर सकते थे, लेकिन अब तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लल्लन और कल्लन की दुकान 60 साल पुरानी है, और ये यो कबाब वाला तो मुश्किल से एक साल हुआ मार्केट में आया है, फिर भी ये रेसिपी उसकी कैसी हुई? वही तो बात है ना पुष्पा जी, IP लॉ के हिसाब से जिसने पहले पेटेंट बना लिया रेसिपी उसकी। IP की नजर में मुंह जबानी बोली हुई रेसिपीज या फिर परंपरागत रेसिपीज के कोई मायने नहीं होते, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार विदेशी कंपनियों ने हमारी ट्रेडिशनल चीजों पर, जैसे बासमती राइस है या फिर हल्दी है, उन पर खुद के नाम का पेटेंट बनवाया है। हे भगवान, ऐसे तो हमारे समोसे, राजमा चावल, पराठे, छोले भटूरे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे लल्ला को हमारे हाथ का अचार बहुत पसंद है, ऐसे तो वो लोग उसे भी चुरा लेंगे और हमें अचार बनाने से मना कर देंगे। इससे पहले कि उनकी नजर हमारे खाने पर पड़े, आज शाम को ही हम घर जाके सारी प्रक्रिया कागज पे लेके उसका पेटेंट बना देंगे। इतना आसान नहीं है पुष्पा जी, पेटेंट बनवाने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, जो एक आम आदमी के लिए इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश की कितनी ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनका कोई पेटेंट ही नहीं है, और इस बात का फायदा उठाते हैं ये बिल स्मिथ जैसे लोग। तो मतलब लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करने का कोई और तरीका नहीं है? अभी तक तो नहीं। अरे अरे, कौन है आप भाई साहब? कौन है आप? क्या हो रहा है? आस्तीन का सांप है, लल्लन और कल्लन का पुराना खानसामा। इसी ने यो कबाब को उनका रेसिपी बेचा है। बोल बोल। माफ कर दीजिए, मैंने ही लजीज कबाब की रेसिपी चुरा कर यो कबाब को 10 लाख में बेच दी थी। बस चीता, अंदर डाल इसे, जा। 10 लाख में बेचे हैं लालची कहीं। चल। देखा मैडम सर, कर दिया हमने केस सॉल्व। अब इसकी गवाही से ना हम लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करेंगे। बहाताना कर देंगे केस सॉल्व बिना किसी मदद के। कर दिए।
आइए। एक मिनट पुष्पा जी, हमारे परमिशन के बिना स्टोप आदमी को अपने बाहर काहे निकाला? हमारे ऑर्डर्स थे। देखिए मैडम सर, हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं आप हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए, टेम्पररी ही सही, लेकिन हम भी एसएचओ तो हैं अब, और यही हमारा तरीका है मैडम सर, इसलिए ये टोपा तो अब अंदर ही रहेगा। अब्दुल जाएगा और आज ही जाएगा। वैसे तो हम आपको कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझते, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वजह सुन लीजिए। आइए। दिखाइए पेपर्स। मैडम कांग्रेचुलेशंस, हमको अब्दुल की जमानत करा दी है, ये लीजिए बेल के पेपर, लीजिए लीजिए। अब आप हमारे एम्प्लॉय को हवालात में नहीं रख पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। एक स्पेशल चीज और लाए आपके लिए, कोर्ट का सम्मान, लीजिए लीजिए देखिए। हमारे एम्प्लॉय को जबरन पकड़ने, टॉर्चर करने और झूठा बयान लिखाने के लिए परसों कोर्ट पहुंच जाइएगा, और देखिए लेट ना कीजिएगा। ऐसा है, हमारे बॉस मिस्टर बिल स्मिथ, सीईओ ऑफ यो इंटरनेशनल कबाब, बहुत पावरफुल आदमी है, आप लोग मिलकर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उनका। तुमको चाय पिलाते हैं। हाँ चलिए। यहाँ पर दो दो एसएचओ होकर भी एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग जानते हैं पब्लिक का प्रेशर कितना है और पूरे देश की इज्जत दांव पे लगी है। हम किसी भी सूरत में उस फिरंग के आगे हार नहीं सकते। सर सर, आप गुस्सा मत होइए, आपके लिए बढ़िया से राजमा चावल मंगाए हैं। नहीं पुष्पा जी, राजमा चावल तो बिल्कुल भी नहीं। तो छोले चावल? नहीं, आज मेरा गुस्सा कबाब से ही उतरेगा। पुष्पा जी, आप राजमा चावल लाइए ना, फेंकिएगा मत, हमको दे दीजिएगा। सुबह से भूखे हैं, इतना जोर का भूख लगा था ना हमको, हम क्या बताएं, हम खा लेंगे। संतु जी आप खाइएगा। नहीं आप राजमा चावल रहने दीजिए, क्या है ना कि आप खाती हैं तो आपको गैस हो जाता है, फिर रहने दीजिए, आप मत खाइए। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? पुष्पा जी मैं बिरयानी खाऊंगी। बिरयानी होगा तो? अरे क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, आप लोगों को पता है कि मसला कितना बड़ा है? अगर लल्लन कल्लन की दुकान बंद हो गई तो मैं इतनी बढ़िया कबाब कहाँ पर खाऊंगा? सर माफ कीजिए, लेकिन ये मुद्दा अब आपके कबाब खाने से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, देश की इज्जत का सवाल है सर, और हम सच कह रहे हैं, हम हर पॉसिबल कोशिश कर चुके हैं, हमने कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ की सारी किताबें पढ़ ली हैं, उसके सारी दफा छान मारी है, हम सीनियर लॉयर से कंसल्ट कर चुके हैं, यहाँ तक हमने कुछ पुराने केस स्टडीज भी पढ़ ली हैं, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा है। एसएचओ बनने के बाद दिखावा भी करना पड़ता है। सही सोच रही हैं आप मैडम, जो दिखता है वही बिकता है। तुमको सुनाई आया अभी? हाँ, आप इतना जोर से सोचेंगी तो सुनाई देगा ना। कोशिश सिर्फ इन्होंने नहीं सर, हमने भी किया है। की है सर? करिश्मा मैडम ने अब्दुल को अपने बाइक के पीछे रस्सी से बांध के दौड़ाते दौड़ाते थाने लेकर आई है। सर हमने लजीज कबाब के 60 साल पुराने खानसामे का लिस्ट निकाला है, 6 घंटे 600 किलोमीटर बाइक चला के उस दगाबाज को पकड़ के यहाँ लाए थे, तो कोशिश तो हमने भी किया सर। हमें कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। उस फिरंग के झूठ के आगे हमारा देश जीतेगा। ये केस कल के कल सॉल्व होना चाहिए।
नहीं तो तुम दोनों का ट्रांसफर कुकरेल के जंगल में कर दूंगा, जहां पर इंसान कम जानवर ज्यादा रहते हैं, वहां उनके केस सॉल्व करते रहना। जय हिंद। करिश्मा सिंह, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। जिंदगी में हम जो कुछ भी चाहें हमेशा हमें वो मिल जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं। हम जानते हैं कि आप ये केस इंडिपेंडेंटली और अकेले हैंडल करना चाहती थी। यकीन करें ना करें, हमने भी आपकी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए ये केस आपको सौंपा था, पर अफसोस कि हालात ऐसे बन गए कि हमें इन्वॉल्व होना पड़ा। सच कहें तो हम दोनों में से कोई भी ये केस अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। जानती हैं क्यों? क्योंकि बाजार में वही सिक्का चलता है जो दोनों तरफ से खरा हो। ये महिला पुलिस थाना, इसकी कामयाबी हमारी अकेली की नहीं है, हम सब की है। क्या कहती हैं करिश्मा सिंह, इस केस को साथ मिलकर सॉल्व करें? हम अकेले कमाल है मैडम सर। पर साथ मिल जाए तो भौकाल है। चलिए मैडम सर, हमारे देश के कबाब को उस अंग्रेजी तड़के से बचाते हैं और उस बिल्ली को ना छट्टी का दूध याद दिलाते हैं। बस भाई बस, अब नहीं जाता। पानी नहीं पीऊंगा, फिर खा नहीं पाऊंगा, पेट भर जाएगा। ललन कलन भाई, और लजीज कबाब लेके आओ, जाओ। अरे भाई साहब, सारे कबाब खत्म हो चुके हैं। हमारे देश की मिट्टी का स्वाद कल इस कबाब से छीना जाएगा, इसीलिए आज ये कबाब मुझे खाना है, गले तक खाना है। जाओ लेके आओ कबाब। अरे कौन खाए इतना सारा प्लेट, उठाए नहीं क्या? आप दोनों भी कबाब खाने हैं? माफ कीजिए, इन्होंने सारे कबाब खा लिए हैं। भाई जान, आप फिर से हमारी डबिंग कर रहे हैं। हमारी दुकान के सारे कबाब इन सबने खा लिए। इतना झूठ तो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। नहीं, वो कहा है ना, हम इनकी तरह बुखड़ नहीं है। टोपा कहीं के हम कुछ पूछने आए हैं आपसे। फरमाइए। देखिए, हमें एक बात बताइए, यो कबाब और लजीज कबाब दोनों की रेसिपी सेम है, तो फिर टेस्ट में फर्क क्यों? हम ये राज नहीं बता सकते, ये बहुत बड़ा राज है। देखिए, राज है तो आपको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी बकैती करने तो आए नहीं है यहाँ पे, हम आपका मदद करने आए हैं। अरे भाई ललन कलन, प्यार से पूछ रहे तो बता दो, वरना थप्पड़ मार कर भी पूछ सकते हैं। देखिए, बता दीजिए, क्योंकि ये सच या तो आपको इंटरनेशनल फूड ओलंपिक पहुंचाएगा या फिर सीधा जेल। भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। आप बड़े हो, आप बता दीजिए। अरे आप छोटे हो, आप बता दीजिए। भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। बताते हैं, ये क्या है? जमजमे फिरदोस, हमारे खानदान का खुफिया नुस्खा। हमारे यहाँ कबाब तो कोई भी खानसामा बना सकता है, लेकिन कबाब बनाने के बाद इसको हम अपने हाथों से छिड़कते हैं, वो भी दरवाजा बंद करके। इसे हम अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पुरखों ने हमें बनाना सिखाया है। इसको हम पानी में मिक्स करके पूरी रात इस सुराही में भर के रखते हैं, ताकि हम इसको सुबह इस्तेमाल कर सकें।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादुई पानी है ये। ऐसा क्या है इस जमजमे फिरदौस में? ये हमारे खानदान का एक राज है जो हम नहीं बता सकते। इस बार भाईजान आपने सही डबिंग की, ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये आपके पुरखों का राज है, इसे राज रखने का आपको पूरा हक है। अब जाकर रुख से नकाब हटा है तो हुस्न की बारीकियां नजर आई। मतलब ये कि अब तक आप भी समझ गए होंगे कि रेसिपी सेम होने के बावजूद लजीज कबाब यो कबाब से बेहतर कैसे। क्योंकि यो कबाब के पास ये जमजमे फिरदौस का रेसिपी नहीं है। करेक्ट। और अब इसी के बेसिस पर हम इन दोनों को निर्दोष साबित करेंगे। वो कैसे मैडम सर? एक कॉम्पिटिशन करके। Competition? Is it a joke? अम्मा बताओ, इतना सब आदमी इनको जोक लग रहा है। What nonsense मैडम? देखिए आप होश में तो हैं, आप क्या बात कर रही हैं? आप दोनों जो भी बातें कर रही हैं ना, मिस्टर बिल स्मिथ के कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल न्यूज चैनल आपको लाइव देख सकते हैं, इसलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले। कंटिन्यू। ठीक है, तो हम बिल्कुल सोच समझ कर ही पूरी दुनिया के सामने ये पूछना चाहते हैं कि कॉपी और ओरिजिनल में कॉपी कभी बेहतर हो सकता है? नहीं ना? तो फिर लजीज कबाब आपके यो कबाब से बेहतर कैसे? It's impossible. अच्छा, नामुमकिन है तो साबित करके बताइए। ओह हेलो मैडम, मिस्टर स्मिथ को कुछ साबित करने का जरूरत नहीं है। ये रेसिपी मिस्टर स्मिथ की है और उनके पास इसका पेटेंट भी है। अम्मा क्या तुम पेटेंट का रट लगाए बैठे हो? तुम्हारे जो कबाब है ना, वो लजीज कबाब के आगे दो कौड़ी के। अच्छा अब हम समझे, कहीं ये भाई साहब डर तो नहीं गए कि ये चोर साबित हो जाएंगे? ओ हेलो मैडम, हमारे बॉस डरते नहीं है किसी से, और आपने हमारे बॉस को चोर बोला? ओ ना 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 ना, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो चोर नहीं है तो साबित करके बताएं। क्या साबित करेंगे मैडम सर, ये कंपटीशन के नाम से इनका फटके चार हो रखा है। बताओ इन्हें अपने ही रेसिपी पे भरोसा नहीं है क्यों मैनेजर साहब? बताइए ना, आपको अपने रेसिपी पर भरोसा नहीं है ना? बताइए, पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर तुम हार गए तो जो सजा देंगे हमें कबूल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बात अब हमारे देश की है और इंडिया का सर तो हम झुकने नहीं देंगे। वो तो देखा जाएगा, कल फैसला होगा कि किसके कबाब बेटर है। बिल्कुल फैसला होगा और पूरी दुनिया के सामने इंडिया जीतेगा। सी यू टुमारो मिस्टर स्मिथ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा इंडिया कैसा जीतता है। है रैप, जाकिर बजाता है तबला, लखनऊ में होने जा रहा है कबाब का महा मुकाबला। एक तरफ है यो कबाब तो दूसरी तरफ है लजीज कबाब। काफी लगी है देश की आन बान और शान, और इस कंपटीशन को जज करने के लिए आ रहे हैं हमारे तीन खास मेहमान। तो हमारे पहले जज हैं हमारे लखनऊ की शान नवाब साहब, जोरदार तालियां हो जाए। पुष्पा जी सलाम अलैकुम। तो हमारे दूसरे जज हैं पुलिस डिपार्टमेंट की शान डीएसपी साहब, तालियां। और हमारे तीसरे जज हैं मशहूर शेफ गौतम आचार्य जी, जो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक को जज कर रहे हैं, जिसमें लल्लन और कल्लन भी सिलेक्ट हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए।
आइए अब आपको पार्टिसिपेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले वेलकम कीजिए यो कबाब के सीईओ हमारे बिल स्मिथ साहब, जो अपने हेड ऑफिस में बैठे बैठे इस पूरे कॉम्पिटिशन को देखेंगे उस ड्रोन कैमरा से। और उनकी तरफ से आ रहे हैं उनके हेड शेफ मिस्टर जोसेफ। पर हमारे ललन और कलन कहीं नजर नहीं आ रहे। ब्रेकिंग न्यूज, ललन और कलन है गायब, नजर नहीं आ रहे कंपटीशन के दिन। लगता है बावर्ची लोग कंपटीशन छोड़ के भाग गए। वो करिश्मा जी, आपके स्टाइल में कहते हैं ना, टोपा लोग डर गए। और ये रहे हमारे ललन और कलन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो ठीक 15 मिनट में हम ये कॉम्पिटिशन शुरू करेंगे। हसीना मैम, 2 मिनट बात करनी है आपसे। 1 मिनट सर, 1 मिनट जरा इनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, जा सकते हैं। आइए। आइए। हम कहाँ हो गए, इतनी देर कहाँ लग गई? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम जीत नहीं पाएंगे। क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ, वो सुराही चोरी हो गई। हाँ? हम जीत नहीं पाएंगे। कहाँ बोल रहे हैं ये सब? क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ, वो सुराही चोरी हो गई। ए भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अब हम जीत कैसे पाएंगे? ये पक्का इस उड़ते फिरंग का चाल है सिंह, कुटाई करेंगे ना इस गोरे सांड की, किसकी सात पुश्ते काली पैदा होंगी और इनकी माना धो के साफ भी नहीं कर पाएंगे इनका कालापन। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए, अब आप भी यहाँ की SHO हैं, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना सीखिए। क्या हम उसे फिर से बना सकते हैं? इसका असर पूरे तरीके से होने के लिए इसको रात को ही बनाना पड़ता है, और इसके बाद इसे पूरी रात सुराही में रखने से जमजमे फिरदौस बनता है। अच्छा ठीक है, कोई और कबाब वाला है जिसके पास ये सेम नुस्खा हो? ये हमारे सिवा और कोई नहीं बना सकता। और खेलो सीक्रेट, किसी और को बताया होता तो आज ऐसे फंस नहीं जाती। देखिए आप लोग सोचिए प्लीज, याद तो करिए, कोई और रास्ता जरूर होगा। हमें सोचो ना जल्दी। याद आया। क्या क्या क्या? एक शख्स है जो ये नुस्खा बनाता है। कौन कौन कौन? भाईजान आप बता दीजिए। भाईजान पहले आप बताइए, बता दीजिए ना। दादी, हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है, और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। हम जा रहे दादी के पास, हम जा रहे हैं। मैडम, आपको इनकी दादी का एड्रेस पता है? अरे मैडम, वो बहुत दूर है, बांग्ला बाजार में रहती है। 2 घंटे तो आने जाने में लग जाएंगे, इतने में तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तुमको करिश्मा सिंह का रफ्तार नहीं पता है, चीते से तेज है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये चीता तो रेंगता, इससे तेज तो मैं हूँ। ये मासूमियत। संतु जी, ये मैडम ना हमारी नहीं, असली चीता। वो जो होता है ना, उसकी बात कर रही है। लेकिन वैसे अगर आपको हमारी फुर्ती पर शक हो ना संतु जी, तो हमको कॉम्पिटिशन में भगा कर देखिए। अम्मा टोपा हो क्या तुम दोनों भी? 10 मिनट में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 100 मिनट है। तुम एड्रेस हमको मैसेज करो, ठीक है? हम जा रहे हैं। वैसे तुम दोनों में से हिस्सा कौन लेने वाला है? हाँ। अभी पहले आप बोले ना, तो करिश्मा मैडम जैसा ऐसा कंटाप जड़ देंगी। हाँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन यार, तुम्हारे वो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक में जाने के झगड़े का क्या? अब कोई झगड़ा नहीं है, हिंदुस्तान की नींव अनेकता में एकता पे रखी गई है, और इसी में हमारी और हमारे देश की शान है, और अब से
कोई झगड़ा नहीं। गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए। So now everybody is ready. Let's start the competition. एक मिनट, please, just 1 minute. अरे मैडम, कंपटीशन में आए हैं, धार्मिक स्थल पे नहीं आए हैं। आप लोगों के लिए खाना बनाना महज एक व्यापार है, व्यवसाय का तरीका है, लेकिन हमारे देश में वो प्यार दिखाने का तरीका है। जिस देश में माँ अन्नपूर्णा को पूजा जाता है, वहां खाना बनाना एक इबादत है। लेकिन आप जैसा बिजनेसमैन आदमी ये बात समझ नहीं पाएगा, इसलिए शांत खड़े रहिए। इनकी इबादत इनका हक है जो हमें इन्हें देना होगा। तो अब हम कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो लखनऊ कबाब महामुकाबला शुरू हो गया है। जजेस ने 1.5 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है, मतलब इन दोनों टीम को 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी रेसिपी पूरी करनी पड़ेगी। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब यह सोचना है कि इन दोनों टीम में से जीतेगा कौन, टीम इंडिया या फिर टीम फिरंग। कबाब के मसाले की खुशबू से मुझे भूख लगने लगी है। ये पेटू आदमी, थोड़ा शांति रखो। हाँ। प्रतियोगिता के बाद जो बचा खुचा होगा ना, दे देंगे खाने के लिए तुमको। बचा खुचा? अरे इनके होते हुए क्या बचेगा हमारे लिए। हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है, और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। संतू, लल्लन कल्ला ने कहा था कि उनकी दादी उनके दादा के लिए रोज कबाब बनाती है ना। हे भगवान, समझो अगर दादा को भूख लगे और करिश्मा मैडम के पहुंचने से पहले ही उन्होंने दादा के लिए कबाब बना लिए तो करिश्मा मैडम कबाब यहाँ ले आएगी। सब तो पागल हो क्या तुम? कंपटीशन में यहाँ बनाने पड़ेंगे ना उनको कबाब। ओ हाँ, फिर तो दादी को कबाब बनाने से रुकना होगा। हाँ हाँ, फोन करते हैं। चलो मैडम सर, हम अभी आए। दादी तो फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं वो खुद तो हाँ? ऐसे अशुभ मत बोलो संतू। अरे कब से फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? अरे दरवाजे पे कोई नहीं है, अब चुपचाप पड़े रहिए ना। कट गया। हमारी रेसिपी चुराई। अरे अभी बाकी है लड़ाई, लल्लन कल्लन करदा चढ़ाई। 1.5 घंटे का टाइमर ज्यादा लगा दिया है, जरा जरा जल्दी करो ना। हैं? अच्छा, अब तुम बाबा आदम के जमाने के तरीकों से हमसे कंपटीशन जीतोगे।
टिपिकल इंडियन, बेबस, लाचार, गरीब, तुमसे ना हो पाएगा। बात पैसों की नहीं है, संस्कृति की है। उसे जिंदा रखने की है, अपने जीवन में अपनाने की है और उसके मान सम्मान की है। लेकिन जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने ईमान को ही बेच दिया, वो ये मान सम्मान और संस्कृति की बात कहां समझ पाएंगे। हेलो, उठा उठा, हेलो। अरे कौन कमबख्त बोल रहा है? हम कमबख्त नहीं, हम पुष्पा बोल रहे हैं, पुष्पा सिंह। अच्छा सुनिए, वो लल्लन कलन है ना, उन्होंने आपका नंबर हमें दिया। नंबर भेजा है? हमने तो किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया है। लगता है कानपुर में हड़ताल है। पुष्पा जी, हम लखनऊ में हैं। प्लम्बर नहीं, फिर लल्लन कलन ने हमें आपका नंबर दिया, नंबर। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, आज आप वो कबाब मत बनाइएगा। हाँ, क्या कहा? आज हम नहीं नहाएंगे। ये देखो, अरे तुम होते कौन हो हमसे कहने वाले के हमें कब नहाना चाहिए और कब नहीं नहाना चाहिए। अरे आपके जानकारी के लिए एक बात बता दे, हम तो नहा भी चुके हैं और हम कबाब की तैयारी कर रहे हैं, हमारे शौहर जो है ना भूखे हैं। अब एक काम करो, तुम फोन रखो। हाँ, अरे नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए, काम में खलल। एक तो वहाँ से वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से तो नहीं, पर भूख से जरूर मौत हो जाएगी हमारी। कब आएंगे कबाब? अरे जरा सबर अली को पकड़िए। हाँ अभी हम हाजिर होते हैं। क्या है ना, थोड़ा जमजमे फिरदौस छिड़क देंगे तो भी तैयार हो जाएगा। हे भगवान, ये दादी तो अब जमजमे फिरदौस छिड़कने वाली है, अब क्या करें? उससे पहले अगर करिश्मा मैडम नहीं पहुंची तो हम ये कॉम्पिटिशन हार जाएंगे। हे भगवान, सुनिए सुनिए दादी जी, वो जमजमे फिरदौस मत छिड़किएगा, कबाब मत बनाइए। अरे सुनो, घंटी बज रही है, देखो तो कौन है। अरे कौन है भाई? जी करिश्मा सिंह, SHO। कौन है? अरे पुलिस है, रुक भी जाइए आप। हे भोलेनाथ, करिश्मा मैडम एकदम सही वक्त पर पहुंच गई। अब कोई टेंशन नहीं, करिश्मा मैडम जमजमे फिरदौस लेके यहाँ पहुंच जाएंगी। क्या है जी? हम महिला पुलिस थाना से आए। खाना का? आपको खाना खाना है? कानपुर, लखनऊ। हम सिर्फ दो लोगों का खाना बनाते, और नहीं है हमारे पास, अब जाइए। नहीं नहीं, खाना नहीं, हम देखिए अम्मा, हमारे पास ना वक्त बहुत कम है, हमें वो आपका वो जमजम खरीदूम चाहिए, वो लल्लन और कल्लन ने भेजा हमें, लाइए लाइए, दीजिए हमें, दीजिए दीजिए। चलिए चलिए, कहाँ चलिए? अरे वो 30 साल पहले है ना, हमारी जो सास है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। अल्लाह कसम, हमने उसको धक्का नहीं दिया था, वो अपने आप गिर गई, मर गई। क्या, कहाँ से कहाँ पहुंच गई दादी? देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप प्लीज हमें दीजिए ना, वो लल्लन और कल्लन ने भेजा हमको, लल्लन कल्लन, लल्लन कल्लन, लल्लन लल्लन कल्लन ने आपको भेजा है? हाँ। अरे बूढ़े दादा दादी को ना कभी सलाम है ना दुआ है, बस सीधे पुलिस भेज दिया घर लेने के लिए, नहीं देंगे हम, आप जाइए। अरे बेगम, हम चल बसे हैं, दफनाने से पहले कबाब खिला दो। अरे अल्लाह रुकिए, हम अभी आ रहे, हमें बहुत काम है, आप जाइए ना। अरे देखो आवाजें दे रहे, जाइए। अरे अरे कौन फंस गए हम? अम्मा सुनिए, मैं करिश्मा मैडम से कनेक्ट करती हूँ। चलो चलो मैडम सर को बताते हैं। चलो मैडम सर, करिश्मा मैडम वहां पहुंच चुकी है। अल्लाह अल्लाह, बहुत देर हो गई भाई, अब जल्दी जल्दी बना के उनको खिला दूं ताकि मैं है? ए, तुम अंदर कैसे आ गई? अरे अम्मा, हमने कुछ बहुत जोर से कुछ गिरने का आवाज सुना। क्या? हाँ, आपके पति देव कहीं गिर तो नहीं पड़े? इतने जल्दी उनको कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो उनको हमको बहुत सताना है, अभी कबाब खाएंगे मस्त। अरे अम्मा, मुगले आजम से 2 साल बड़े लगते हैं वो, कहीं वो बिस्तर से गिर के उनका आवाज भी नहीं आ रहा है, टाए तो नहीं बोल दिया? टाए टाए देखते हम। हाँ। अरे सुनिए, अरे ठीक हो आप? सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, कब आएंगी करिश्मा सिंह? अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो, लल्लन कल्लन के सीक्रेट नुस्खे से जीत उन्हीं की होगी,
वही तो नहीं है। क्या नहीं है? अरे कैसे नहीं है? अरे कुछ कीजिए, मैं टिंडे थोड़ी खाऊंगा। हसीना मलिक जी कुछ कीजिए। सर करिश्मा सिंह वही लेने गई है, वो आ जाएंगी, आप रिलैक्स करिए प्लीज। थैंक यू। हाँ संतू, हम जमजम फिरदौस लेकर निकल रहे हैं, ठीक है? मैडम सर, करिश्मा मैडम जमजमे फिरदौस लेकर निकल गई है। इसको भी हमें अभी बिगड़ना था। मैडम सर, वो करिश्मा मैडम की बाइक अचानक बंद हो गई है। क्या? तो अब वो कैसे पहुंचेंगी? सिर्फ 33 मिनट बाकी हैं। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद। हमार तुम? क्या हुआ आपको? अमा हमारा बाइक चोपा गिरी कर रहा है। अरे आइए ना हमारे ऑटो में, हम आपको छोड़ देते हैं। हमको जाना तो पास्ता की है, तुम लेके चलोगे फटाफट? बैठिए बैठिए मैडम, चिंता मत कीजिए, 30 की स्पीड से बिल्कुल भी ऊपर नहीं भगाएंगे। भैया आज तो तुमको 30 नहीं 300 की स्पीड में भगाना पड़ेगा, समझ गए? नहीं मैडम, हम इतना स्पीड में नहीं भगाएंगे मैडम। तुम एक काम करो, बाहर निकलो बाहर निकलो, हमारा बाइक को पुलिस स्टेशन पहुंचाओ, हम तुम्हारा ऑटो लेकर आते हैं। लल्लन टॉप, हमारे कबाब रेडी हैं। संतोष शर्मा कहाँ है? करिश्मा सिंह, अभी सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट नहीं मैडम, 3 मिनट है सिर्फ। क्या? जमजमे फिरदौस को हम मसाले में डालेंगे तो 2 मिनट लगते हैं उसे मसाले में उतरने के लिए, और उसके बाद कबाब को फ्राई करने के लिए हमें 4 मिनट और चाहिए। इसमें मैडम, हमारी चप्पल चक्कर में हमारी जान चली गई होती। यो कबाब रियली बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर।
हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज के कॉम्पिटिशन के विनर हैं टीम इंडिया। पर ये बात समझ में नहीं आई कि दोनों की रेसिपी सेम है लेकिन टेस्ट अलग क्यों? आपने आखिरी में कुछ मिलाया था, वो क्या था? वैसे तो ये लल्लन और कल्लन का सीक्रेट नुस्खा है, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है और अब वो शायद दुनिया को भी बताना चाहते हैं। इस खुफिया नुस्खे का नाम है भारत। जी हाँ, आप लोगों के लिए महज वो बस केसर चढ़ा हुआ पानी होगा, लेकिन ये कोई आम पानी नहीं है, ये हमारे देश की नदियों का पानी है। केसर के एक एक दाने को घर की औरतें अपने हाथों से चुनती हैं, फिर इन दानों में मिलाया जाता है हमारी नदियों का मीठा पानी, और मिलाते वक्त एक चुटकी हमारे देश की मिट्टी भी मिलाई जाती है, जिससे आती है वो खास खुशबू। फिर उसे इस सुराही में डालकर धूप दिखाई जाती है, जिससे उसमें सूरज की ऊर्जा आए। रात भर उसे चांद दिखाया जाता है ताकि चांद की शीतलता आए, तब जाकर बनता है ये जमजमे फिरदौस। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से फर्क क्या पड़ता है, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। खैर, जो फर्क पड़ता है वो आप खुद ही टेस्ट कर चुके हैं। इन्होंने हमारी देश की रेसिपी तो कॉपी कर ली, लेकिन हमारे देश की आत्मा उसमें नहीं मिला पाए, और यही बात है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। I copied their recipe. मैं इनका रेसिपी कॉपी किया, इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी चोरी किया, पर उसे सिर्फ मिट्टी का पानी समझकर यूज नहीं किया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं इंडिया की मिट्टी की इंपॉर्टेंस को कभी समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड एंड आई एम रेडी टू पे द प्राइस। मैं लल्लन खल्लन को ऑफिशियली 5 करोड़ ईच का ऑफर देता हूँ इस कबाब के राइट्स खरीदने के लिए। 5 करोड़? बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर हमें आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है। ये फॉर्मूला हमारी देश की शान है, हम अपने कबाब की रेसिपी का पेटेंट पूरे देश के नाम करते हैं। अब इसे कोई भी हिंदुस्तानी यूज कर सकता है। क्या बात है, वाह बात, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत दुरुस्त फरमाया है आप दोनों लोगों ने, तो इसीलिए तो ये तालियां आप दोनों के लिए हैं। लेकिन दोबारा ताली बजानी पड़ेगी, और वो भी हमारे महिला पुलिस थाने की SHO हसीना मलिक के लिए। अरे इन्होंने देश की शान पे आंच नहीं आने दी है, तालियां। लगता है हम नाम के ही SHO हैं। दही कोई और जमाए और लस्सी कोई और पी जाए। सही कहा था संतू तुमने, जो दिखता है वही बिकता है।